मैं आपको पराठे से भुनी देने का तरीका बता रही हूँ। आपको लेना है शुद्ध देसी घी, गाय का घी हो तो बढ़िया है, और आपको बनाना है किसी भी हरी सब्जी का पराठा, जैसे कि मैं यहाँ पर मेथी का पराठा बना रही हूँ। इस पराठे को बनाते समय मैं चिमनी नहीं चला रही हूँ, क्योंकि धुआं मैं चाहती हूँ घर में फैल जाए। आप जानते हैं धुएं से घुटन होती है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि शुद्ध देसी घी का धुआं जब घर में फैलता है तो किसी प्रकार की घुटन नहीं होती है, बल्कि एक मंद मंद खुशबू आती है, जैसे कि अभी आ रही है। तो मैं शुद्ध देसी घी के पराठे बना रही हूँ। ये भी एक बहुत ही पवित्र धुनी होती है, ज़्यादा देर से देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके घर के लोगों को इससे एलर्जी है तो अवॉइड करें, लेकिन ये करके देखें आप। पराठे से धुनी देने, पराठे का पराठा और धुनी की धुनी, घर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और रसोई में भी अन्नपूर्णा का वास होता है, माता अन्नपूर्णा खुश होकर आशीर्वाद देती है। मैंने यहाँ पर ये मेथी के पराठे बना के रखे हैं, और अभी ये सीज़न की पहली मेथी है, और अभी काफ़ी महंगी है मेथी, और 40 रुपीज़ की सिर्फ 250 ग्राम मेथी आई, और मैंने ये पराठे बनाए हैं। अब शुद्ध देसी घी के पराठे हैं, और इसकी जो मैं आनंद पराठों का भी लेंगे, सभी लोग मज़े लेंगे, और साथ में धुनी से नेगेटिविटी भी दूर करेंगे। ये देखिए घी से अभी काफ़ी तेज़ धुआं निकल रहा है। अभी जो गैस की जो लौ, जब एकदम तेज़ और खूब सारा घी डालते तो एकदम से तेज़ धुआं निकलता है। वो अभी इससे पहले वाले पराठे में खूब धुआं था, तो वो मैंने पूरे घर में फैला दिया है। अब थोड़ी देर मैं उसको रहने दूंगी, उसके बाद एग्जॉस्ट भी चलाऊंगी और चिमनी भी चलाऊंगी। तो ये बहुत ही मैंने आपको एक बढ़िया तरीका बताया, रसोई में पराठे की धुनी दीजिए, और ऐसा करने से जो आपका गेहूं का तत्व हो गया, हरी सब्जी का तत्व हो गया, ये भी, और शुद्ध घी हो गया, इसका सारा जो प्रभाव है पूरा आपके घर में फैलता है, और ऐसा करने से पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो मैं उमा श्री आज का वीडियो समाप्त करती हूँ।